थैंक यू ममता दीदी भी ने अपना पूरा बाल कटाया हुआ है यहाँ पर, पूरा तक कॉन्फिडेंट नहीं बिल्ड हुआ है अभी तक बजा, क्योंकि थंबनेल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ पर कुछ झगड़ा हो रहा है, मुझे बात करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों निकाल के 1200 बनी ज्यादा भगवान जी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ा सा जल्दी में हूँ, इसीलिए सीधा अपने मोटर व्लॉगिंग सेटअप में बताऊँगा कि आज का प्लान क्या है और आज कहाँ जा रहा हूँ। अभी बारिश रुक गया है, यू कैन सी हियर, इसीलिए अभी जल्दी में हूँ, नहीं तो बारिश फिर से शुरू हो सकता है। इसीलिए आपको सीधा मोटर व्लॉगिंग सेटअप में ही बताऊँगा आज का प्लान एंड आज कहाँ जा रहे हैं। स्टे ट्यून टू द वीडियो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूँ और फिलहाल मैं अभी नक्सल की तरफ जा रहा हूँ, मुझे कुछ सामान ख़रीदना है तो इसीलिए अभी नक्सल की तरफ जा रहा हूँ। पहले अनजान को पिकअप करूँगा घर से और उसके बाद नक्सल की तरफ जाएंगे। अभी अभी बारिश रुका है इसीलिए अभी थोड़ा सा जल्दी में हूँ। कल रात से बहुत बारिश हो रहा है, 2-3 दिन हो गया है बारिश होते हुए और अभी थोड़ा सा बारिश रुका है, इसीलिए जैसे ही रुका उस वैसे ही अभी नक्सल की तरफ जा रहा हूँ। पहले अनजान को पिकअप करूँगा, उसके बाद फिर हम जाएंगे नक्सल की तरफ। आज सैटरडे है और सैटरडे नक्सल हाट लगता है, नक्सल बाज़ार लगता है। सो आज बारिश के कारण से पता नहीं मार्केट लगा है कि नहीं लगा है। सो प्लीज़ इंजॉय द वीडियो। प्लीज़ इंजॉय द वीडियो। और तो फिलहाल मैं अभी अनजान को पिकअप करके अभी हम नक्सल की तरफ जा रहे हैं और ये रहा ब्यूटीफुल बेलगाछी, बेलगाछी बगन। यहाँ का रोड थोड़ा सा अच्छा नहीं है, पर अगर रोड अच्छा बन गया तो इट विल बी वेरी वेरी गुड प्लेस टू ट्रैवल। दोनों तरफ टी गार्डन और बीच में अच्छा सा रोड होने से इट विल बी वेरी वेरी गुड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ पर अभी नहीं बना है रोड, बहुत पहले से ऐसा ही है रोड। वाओ, ब्यूटीफुल। बहुत पहले से ही ऐसा ही है रोड, ये वाला रोड कभी नहीं बनता है, थोड़ा रिपेयरिंग होता है पर पक्का रोड नहीं बनता है यहाँ पर। तो फिलहाल अभी हम बेलगाछी पहुँच गए हैं और ये रहा बेलगाछी का धुलिया मोड़। यहाँ से पुटुम खोपरेल जा सकते हैं और ये रहा टैक्सी स्टैंड बेलगाछी का। यहाँ से नक्सल जबड़ा के लिए ऑटो मिलता है। सो लास्ट वीक मैंने वीडियो भी नहीं बनाया क्योंकि बहुत थक गया था मैं लास्ट वीक। पूछा किसी ने नहीं, बहुत सारा काम था वो हफ्ते में, इसलिए वो हफ्ता मैंने वीडियो भी नहीं बनाया और आज का वीडियो, ये आज भी वीडियो नहीं बना पाऊंगा सोच रहा था क्योंकि कल रात से बारिश हो रहा था, इसलिए सोचा कि आज भी वीडियो नहीं बना पाऊंगा। और फिर 2 बजे जैसा और बारिश रुकना शुरू हो गया तो उसके बाद सोचा कि नक्सल जाऊंगा क्योंकि नक्सल में मुझे कुछ सामान भी ख़रीदना है और आज नक्सल का हाट भी लगता है, आज नक्सल मार्केट लगता है शनिवार को, सैटरडे बाकी टाइम भी होता है पर आज हाट लगता है। सो ये रहा यहाँ पर तोरीबाड़ी, यहाँ पर तोरीबाड़ी मंदिर और यहाँ से आगे थोड़ा जाएंगे तो जबड़ा पहुँच जाएंगे। और आज का वीडियो ये होगा ये वीक में और कल एंड परसों और एक वीडियो होगा जो होली का स्पेशल होली का वीडियो रहेगा। सो सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली भी एडवांस में। ये वीडियो कब आएगा आई डोंट नो, बट आई एम विशिंग यू हैप्पी होली इन दिस वीडियो ओनली। सो उस दिन सोचा हूँ कि पहले चेंगा से अपने गांव से बेलगाछी जबड़ा तक आएंगे और उसके बाद फिर तिराना और जाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे MM तराई और लास्ट में पानी घट्टा। लास्ट में पानी घटा जाएंगे तो मैंने 1-2 भाई को भी बोला है, वो लोग भी बोल रहे थे वो लोग जाएंगे और अनजान भी जाएगा उस दिन शायद।
और एक दो तीन भाई है जिसको मैंने पहले से बोल के रखा है, वो लोग भी बोल रहे थे अगर उस दिन वो लोग फ्री रहेंगे तो वो लोग भी जाएंगे। तो देखते हैं कहाँ कहाँ होगा, होली के दिन क्या होगा, लेट अस सी। और ये रहा जबड़ा मोड़, ये रहा जबड़ा। ये रहा जबड़ा बस्ती। और पहले बहुत आते थे जब हम छोटे छोटे थे, उतना छोटे भी नहीं, जब हम अपने जवानी के दिन में थे एट द एज ऑफ 18-17 एंड ऑल, तब यहाँ पर जबड़ा बहुत आना जाना। एट द एज ऑफ 18 एंड 19 बहुत आते थे यहाँ पर, शादी वादी में, पूजा वूजा में बहुत आते थे। और थोड़ा सा बड़े हो गए इसीलिए आने में थोड़ा सा शर्म लगता है, बिना इनविटेशन का या तो बिना जान पहचान का। पहले तो बहुत आते थे यह जगह पे। गाड़ी में अभी पेट्रोल भी नहीं है यहाँ पर, सो यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से थोड़ा सा पेट्रोल डालेंगे और उसके बाद फिर नक्सल की तरफ जाएंगे। सो यहाँ पर अभी नया नया खुला है, उतना टाइम नहीं हुआ है इसको खुला हुआ, तो यहाँ पर थोड़ा सा जाएंगे, पेट्रोल डालेंगे। Hey y'all, come look at this. So, अभी हम पेट्रोल डालने के बाद यहाँ से निकल चुके हैं नक्सल की तरफ। अभी इलेक्शन से पहले ममता दादी ने 2 रुपये कम किया है पेट्रोल का। से बहुत बचता है, बहुत पैसा बचता है 2 रुपये से। थैंक यू ममता दीदी भी कि आपने 2 रुपये घटा दिया पेट्रोल का दाम। मामा क्यों है तो क्लोज था, बाप रे जहाज है ना था नींद ने था। अभी हम पहुंचने वाले हैं लालपुर, पता नहीं लालपुर का नाम लालपुर क्यों है। वैसे तो यहाँ पर कोई भी लालपुर नहीं है, पर फिर भी इसका नाम लालपुर है। यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं, सो फिलहाल अभी हम लालपुर में है। और जैसे कि मैंने बताया लालपुर में लाल जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो ये जो पुल है यहाँ पर तो ब्लू कलर का पुल है। इस तरह अनजान बैठा हुआ है यहाँ पर, देखिए अंजन अपना बाल दिखा दो तो। अंजन ने अपना पूरा बाल कटाया हुआ है यहाँ पर, पूरा तकला हो चुका है अंजन। पता नहीं इसने क्या रखा था वो कुछ वो रखा था, क्या बोलते उसको, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। सो अभी हम यहाँ पर लाल पुल में है और इस साइड ऑफ यूनिक्स यू कैन सी दिस साइड। और यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर मेला लगा हुआ था, अभी मेला बंद हो चुका है। और इस तरफ एक मंदिर है, किसका मंदिर है, शिव मंदिर यहाँ पर एक मंदिर है, शिव मंदिर है शायद से। और यहाँ पर मेला था कुछ दिन पहले। और यहाँ पर छोटा सा एक रिवर है, नदी है, बहुत गंदा है। अब सीधा हम नक्सल में जाएंगे और रास्ते में दिखाएंगे, थोड़ा छोटा छोटा क्लिप दिखाऊंगा नक्सल का। और बाज़ार में नहीं कर पाऊंगा शायद से, उतना कॉन्फिडेंट नहीं बिल्ड हुआ है अभी तक बाज़ार में करने जैसा, पर फिर भी छोटा छोटा करूंगा, अगर कर पाया तो। उसके बाद कुछ सामान खरीदना है वो खरीदूंगा और उसके बाद सीधा घर के लिए लौटेंगे फिर से। सो अभी हमने एक दो फोटो खींचा है और उसके बाद यहाँ से नक्शे की तरफ जा रहे हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है उतने से बता रहा हूँ कि थंबनेल के लिए चाहे जितना हो सके उतना फ़ोटो लीजिए,
क्योंकि थंबनेल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है व्यूअर्स को क्लिक कराने के लिए। सो जितना हो सके उतना फ़ोटो लीजिए, चाहे अच्छा ना आए, चाहे बुरा आए, चाहे उसके लिए 100 फ़ोटो लेना पड़े। कीप टेकिंग द पिक्चर्स, बिकॉज जब थंबनेल बनाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आता है। सो उसके लिए हमेशा फ़ोटो आपके पास, फ़ोटोज़ बहुत सारा होना चाहिए आपका चॉइस का। सो आप जब थंबनेल बनाते हैं बहुत सारा आइडियाज़ दिमाग में आता है, पर उसी टाइप का फ़ोटोज़ भी होना ज़रूरी होता है। इसीलिए 2-3 महीने का जो मेरा तजुर्बा है और उसी से बता रहा हूँ कि थंबनेल के लिए बहुत सारा फ़ोटो क्लिक कीजिए, जैसे कि मैं करता हूँ बहुत ही सारा। क्योंकि सोचा कुछ और होता है, पर जब थंबनेल बनाते हैं तो अलग ही आइडियाज़ आ जाता है दिमाग में। सो फिर आइडिया चेंज करना पड़ता है, पर उसी तरह का फ़ोटोज़ नहीं होता है। सो इसीलिए जितना मेरा एक्सपीरियंस है उतने से बता रहा हूँ कि जितना हो सके उतना फ़ोटोज़ लीजिए, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू लेटर ऑन टू मेक थंबनेल्स एंड ऑल। सो होली का तो ठीक ही है, होली का वीडियो तो आ ही जाएगा, कल एंड परसों है होली, तो देखेंगे कल जाएंगे वीडियो बनाने के लिए या तो परसों जाएंगे, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है होली कौन सा दिन मेन होली है। जैसे कि एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, जैसे जितना मुझे पता है। सो सब बोल रहे थे कि मंडे को है असली होली, तो देखते हैं कि मंडे जाएंगे या तो कल संडे, क्योंकि मंडे भी हमारा छुट्टी है। और सो आने वाला वीक में वहाँ पर हमारा 5 दिन छुट्टी है ड्यू टू ईस्टर्स एंड ऑल। सो इसलिए हमने सोचा है कि कहीं दूर ट्रैवल के लिए जाएंगे, हम अजदा जितेंद्र सब ने प्लान करके रखा है, पर फिक्स नहीं है क्योंकि अभी बारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा और प्लान फिक्स भी नहीं किया है। बस इतना है कि वो 5 दिन की छुट्टी में कहीं दूर जाना है ट्रैवल के लिए। सो देखते हैं क्या होता है, ईस्टर मे बी थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे से है शुरू। सो अभी हम नक्सल पहुंचने वाले हैं और यहां से आगे जाएंगे तो पानीघाटा मोड़ मिलता है। सो अभी हम नक्सल पहुंच गए हैं और थोड़ा ये मिरर मिला लेते हैं, नहीं तो जगह नहीं बनता है। सो ये जो आगे मोड़ है ये पानीघाटा मोड़ है। और इस तरफ से लेफ्ट से जाते हैं सिलगुड़ी सब, एंड और यहाँ से सीधा नक्सल की तरफ। ये पूरा नक्सल मार्केट है, नक्सली है, और यहाँ पर नक्सल पुलिस स्टेशन है। तो ये रहा नक्सल का बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड, सब स्टैंड यही है। और यहाँ पर थोड़ा आगे जहाँ पर जगह होगा वहाँ पर बाइक रखेंगे, और उसके बाद हम फिर वहाँ पर कुछ झगड़ा हो रहा है और यहाँ पर बाइक रखेंगे पहले, और उसके बाद तो फिलहाल अभी हम नक्सल पहुंच गए हैं और यहाँ पर नक्सल बाज़ार है, यू कैन सी हियर। और अंजन भी यहीं पे है, और मुझे बात करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि भीड़ में नहीं बात कर सकता, शर्म लगता है ना। तो ये नक्सल बाज़ार बहुत बड़ा है, नक्सल बाज़ार सैटरडे को हार्ड डे रखता है, हार्ड। अब यहाँ चाहिँ म के भन्नु भन्नुहुन्छ हो यस्तोमा चाहिँ झन् के भन्नु छ भने भनिहाल्छ, होलीको टिसर्टहरू लानु छ भने किनिदिन्छ ल। सो यहाँ चाहिँ बारिसको वजह से रोड सब गिला गिला है, और मार्केट बहुत बडा है, नक्सल मार्केट। हेर्दैछु भाइ। तो फिलहाल अभी हम जुम मैट की तरफ जाएंगे, वहाँ पर ऊपर में है जुम मैट,
तो यहाँ से तो मैं से जो कपड़ा है मेरा मैं तो यहाँ से ख़रीदता हूँ जुम मैक से। तो रास्ता इस तरफ है जुम मैक जाने का। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को इस तरफ जाना पड़ेगा जुम मैक के स्टोर के लिए। तो पता नहीं वहाँ पर वीडियो करने देंगे कि नहीं देंगे, पर देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत भीड़ सके आ जाता। सो हमने शर्ट से नहीं ख़रीदा है क्योंकि वहाँ पर बहुत महंगा था शर्ट, 1000 से ऊपर था। अनजान क्या बोलना चाहते हो? नहीं, 1200 का शर्ट कौन पहनता है आजकल ज़माने में, इतने महंगाई के ज़माने में। मेरे पास हैगी शर्ट बहुत सारा, पर वहीं से ख़रीदा है, पर उतना महंगा नहीं ख़रीदा था जितना मुझे पता है, इसलिए वहाँ से नहीं ख़रीदा। अब वहाँ पर जा कर देखता हूँ कोई शर्ट या तो सॉक्स मिलेगा, वो ख़रीदेंगे वहाँ से। और सब शर्ट कितने ज़्यादा से हैं? दाजुभाइको दोकानमा म चाहिँ घटाउनु सक्दिनँ उयसमा, कहाँ म त्यो उयोतिर दाजुभाइकोमा मलतिर जान्छ त ठिकै पायो प्राइस हुन्छ होइन, घटाउनु पर्दैन बढाउनु पर्दैन हो। यहाँ त अब घटाउनु साह्रो पर्छ नि। म छु त अनि म घटाउँछु त अनि 700 भन्यो भने 200 भन्छ ल। 200 त कहाँ भन्यो त, 700 भन्यो 400 त भनिसकेछ नि त हो अनि। 700 भन्यो भने 400 त भनिसकेछ नि त। हेरौँ अब त्यो पनि राम्रो हुनु पऱ्यो नि। बस सही है हमारा दाजुभाइ दोकान ऐसा हल्का हजार जिसलाई सर्ट पनि मन परेन त्यही भएर अब अरू दोकान खोज्दै अब किदिनँ भन्दैछ अहिले, मन परेन अरे। अब जाउँ हेरौँ अरू जग्गा के हुन्छ, के मनपर्छ हजुर सरलाई होइन सर। सर यता एउटा मन परेन हजुरले खोजे कस्तो खालको, 1200 पनि ज्यादा भयो भन्छ, 400 गर्दा पनि मन परेन भन्छ भाइ। त्यो हजुरको रेन्ज कति हो? 400 त होइन, मलाई पैसासँग मतलब छैन, मलाई क्वालिटीसँग मतलब छ। पैसा यता पैसा पैसा त के लु होली आयो एडभान्समा सबलाई ह्याप्पी होली। हाम्रो सर त्यो मान्छे को हो पागल यार, बिचमा बाइक हालेको छ तर डिस्टर्ब गर्छ बच्चाले। ऊ हेर यस्तो हुन्छ मान्छेहरू। के मगाइस भन्नु पहिले? मैले चाहिँ के मगाएको छैन यार, मोमो खाने हो, मोमो खाने। सो मैंने चाहिँ कुछ भी नहीं खरीदा है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जहाँ मैं खरीदता था वहाँ बहुत महंगा ले रहे थे, और जो मार्केट में मिलता है उसमें मैं वो बार्गेनिंग नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए कुछ भी नहीं ख़रीदा है, सिर्फ सॉक्स ख़रीदा है और कुछ पेन कॉपीज़ लेना है, सो वो ख़रीदेंगे। और यहाँ पर कुछ खाने के लिए बैठे हुए हैं, अनजान ने मोमो मंगाया है, तो उसके बाद सीधा मोटर व्लॉगिंग सेटअप में मिलते हैं। हमारा मोमो आ चुका है, यहाँ पर अनजान मोमो खा रहा है पूरा। सो यहाँ पर हमारा मोमो आ चुका है और यहाँ पर हम खा रहे हैं। देखिए हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले। तो अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। नक्सल में जो ख़रीदने आए थे वो ख़रीदा नहीं क्योंकि बहुत महंगा था। जब मैं लास्ट टाइम वहाँ पर गया था इतना ज़्यादा महंगा नहीं था, तो आज बहुत महंगा था। और मैंने मार्केट के अंदर भी देखा, पर वही है कि मुझे बार्गिन करना नहीं आता है। सो नेक्स्ट टाइम मम्मी के साथ या तो कोई और के साथ आऊँगा ताकि बार्गिन कर सके। ये रहा झगड़ा का जो मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, यू कैन सी हियर। तो अभी हमारे चैनल में 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तब तक मैं भी 500 सब्सक्राइबर पहुँच जाएगा। एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट्स, जितना आप लोग शेयर करते हैं, कमेंट लाइक करते हैं, उसके लिए ढेर ढेर थैंक यू एंड शुक्रिया सबको। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए,